नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीके न्यूज में। दोस्तों, शादी हर एक लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। खैर, यह सपना सभी का पूरा हो जाए यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है उसके बाद शादी रोक दी जाती है, तो कभी कभी दुल्हन भी शादी करने से मना कर देती है। पर आज का मामला सबसे अलग है। आज हम एक ऐसी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ एक दूल्हा जयमाला के दौरान ही फरार हो गया और अब दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे को वापस बुलाने के लिए दूल्हे के परिवार वालों के साथ ऐसा काम किया कि यह खबर सुन सब हैरान हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही मजेदार और रोमांचित खबरों से अपडेट रह सकें। कहते हैं कि जब इंसान सब कुछ छोड़कर चला जाता है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बिहार के मुंगेर जिले का है। यह मामला बिहार के मुंगेर जिले के खड़पुर थाना क्षेत्र के फसियाबाद गांव की है। यहां पर एक दूल्हा जयमाला के तुरंत बाद फरार हो गया है। हरपुर थाना क्षेत्र के गोगुल चौक निवासी मुनीलाल बिंदु के बेटे मिथुन कुमार की शादी तय हुई। लड़के के बारे में हम नहीं बताएंगे, पर आपको बता दें कि शादी अच्छे से चल रही थी, जयमाला का प्रोग्राम भी हो गया था। उसके बाद लड़की वालों का कहना है कि दूल्हे ने 1,30,000 रुपए की डिमांड की और लड़की वालों के यह डिमांड पूरी ना करने पर दूल्हा बीच शादी में ही फरार हो गया है। लड़की वालों ने बताया कि जयमाला के तुरंत बाद लड़के ने दहेज की मांग की, जो कि हम पूरी नहीं कर पाए, और उसी के बाद दूल्हा बाथरूम का बहाना लेकर दोस्तों के साथ फरार हो गया। अब ऐसे में लड़की वालों ने दूल्हे के पिता, चाचा, छोटे भाई और बारातियों को बंधक बना लिया है और लड़की की शादी के लिए दूल्हे को वापस लाने की जिद करने लग गए हैं। पर दूल्हे का अता पता किसी को भी नहीं है। लड़के वालों के अनुसार उन्हें पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ और आखिर में ऐसी डिमांड क्यों हुई, यह सब उन्हें नहीं पता है। लड़की वालों की डिमांड है कि या तो दूल्हे को बुलाया जाए या फिर उनकी लड़की की शादी के लिए कोई और लड़का लाया जाए, क्योंकि लड़की की शादी में उन्होंने पैसा लगाया है, उसे भी दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो लड़की के दूल्हे के छोटे भाई से शादी करवाई जाए। इस डिमांड के बाद दूल्हे के घर वाले भी इस पर विचार कर रहे हैं। उनके अनुसार लड़की की शादी दूल्हे के छोटे भाई से करवाई जा सकती है, पर अभी तक दूल्हे के फरार होने की वजह पता नहीं चली है। आखिर वो क्यों शादी नहीं करना चाहता और अचानक ऐसे गायब क्यों हो गया है? दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ऐसे पैसों के लिए शादी छोड़कर गायब होना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।